हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं जयपुर। सो गाइस, राजस्थान जयपुर का ये होने वाला है हमारा पहला व्लॉग। सो गाइस यार, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7 दिनों की फैमिली ट्रिप, जो कि होने वाली है 5-6 दिन की, जिसमें आपको 5-6 व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, विच इज गोना बी ऑफ अ वीक। सो गाइस, हम लोग कवर अप करने वाले हैं पहले दिन जयपुर। मैं नहीं जानता कितना जयपुर आपको दिखा पाऊंगा। वहां से फिर हम लोग जाएंगे बागडोगरा, जो कि है बंगाल में, एंड गाइज वहां से हम लोग जाएंगे भूटान। सो मेन ब्लॉग्स जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं भूटान के। दीज आर गोना बी इंटरनेशनल ब्लॉग्स, सेलिब्रिटी फीलिंग। सो गाइज, भूटान के ब्लॉग से ले आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं पहली बार इंडिया के बाहर जा रहा हूँ। एंड यार, बाल ऐसे क्यों हो गए? एक्चुअली मैं गया था बाल कटवाने, तो उस इंसान ने मुझे बोला कि सिंगल साइड रख दो, डबल साइड। मैंने कहा सिंगल साइड? ने मुझे बोला कि आपके कर लिए हैं, डबल साइडेड आप पे अच्छा दिखेगा, तो मैंने ये करवा लिया। एंड फिर मुझे घर में गालियां पड़ी मम्मी की। बट एनी वेज गाइज, इग्नोर मारो इसको। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं जयपुर। सो कल सुबह हम जयपुर के लिए निकल जाएंगे। जोधपुर से करंटली जोधपुर में हम लोग, एंड कल सुबह हम लोग निकलेंगे ट्रेन से। एंड बाय द वे 10-11 के टाइम तक हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे, फिर आप लोगों को जयपुर दिखाएंगे, पहले होटल जाएंगे। आई एम रियली एक्साइटेड एंड लेट्स सी कैसा होने वाला है जयपुर। गेस करो मैंने कहां पे चिपकाया है ट्राइपॉड। हाँ यार, इतना तप रहे हैं जयपुर में यार, इतनी गर्मी। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव अराइव्ड इन जयपुर। यार इंग्लिश बोली को नहीं जावे यार। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर, एंड यहां से अभी हम लोग होटल जाएंगे, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपको जयपुर एक दिन के लिए, एंड कल हम लोग जाएंगे भूटान। यहीं पे पास से मेट्रो स्टेशन है, तो मुझे नहीं लगता हमको कैब करने की ज़रूरत पड़ेगी घूमने जाने के लिए। सो वी कैन गो बाय मेट्रो इटसेल्फ। गाइस, तो अभी सेलेक्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या घूमने जाएंगे, तो उसके बाद आपको बताते हैं। हम लोग अभी सेलेक्ट करते हैं कार्ड पे से। राइट गाइस, तो यहाँ पर है हवा महल, जंतर मंतर, देखो आमेर फोर्ट, तो हम पक्का जाएंगे। गाइस सो गाइस, ये रहा मेन्यू, तो मेन्यू देखते हैं एक बार। एंड मेन्यू के पीछे भी साइट सीन्स लिखे हुए हैं, बट कुछ चीज़ें हैं, नहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट। मुझे तो गढ़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एज यू हैव बीन फॉलोइंग मी ऑन दिस पेज। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द स्टीरियोटिपिकल पीपल, हम लोग रोज दाल बाटी नहीं खाते। गाइज, हेयर इज द चाय, क्योंकि चाय पीने बिना तो हिंदुस्तानियों को सांस नहीं आती। एंड गाइज, सो गाइज यार, रेडी हो चुके हैं। मेरे को मुझे भी, मेरे को लगता है क्लियर करवानी चाहिए थी, सगला बात ही करते रहे मैं यार, मेरे को बोलने भी नहीं देते। दीदी हैज बिकम जयपुरी, फुल पिंक। आई एम रेडी, एंड ये मेरा नया हेयर स्टाइल। पता नहीं यार इन लोगों को क्यों नहीं पसंद आया यार, टिकटॉकरों जैसा तो नहीं है यार, ये अच्छा ही है। सुनो, साइड से कटवाया, अब ये कह रहे हैं कि वापस ऐसे बनाओ जैसे एक साइड के तू बनाता था। कैसे बना लूं यार, इट्स टाइम टू गो। यार मैं सबकी इतनी अच्छी अच्छी फोटोज लेता हूँ, मेरी इतनी गंदी फोटोज आती हैं, या तो मुझे पोजिंग नहीं आती या लोग फोटो अच्छी नहीं लेते। ये देखो मम्मी कितनी स्मार्ट लग रही है, मेरी दीदी भी बहुत स्मार्ट लग रही है। यार आजकल मैं राजस्थान में कहीं भी जाता हूँ, लोगों को लगता है मैं टूरिस्ट हूँ। नहीं भाई, मैं यहीं का हूँ। वापस होटल में ही बैठे हैं हम लोग, जब तक कैब आ रही है। ये देखो, ये है जयगढ़ फोर्ट। ये आ गए राजस्थान टाइप पोल, आ गए पोल। 296 साल पुरानी पिंक सिटी। एलिजाबेथ जब जयपुर आई थी, हाँ, तो यहाँ के महाराजा ने इस कलर से पूरे जयपुर को उतवाया था, तो उन्होंने इस कलर को पिंक कलर की को दी थी उपाधि, तब से इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। सो गाइस, यही पिंक कलर है जयपुर का, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स पुराना। बहुत सारे जलाल मुंशी का है, नारगढ़। जयपुर के जो भी राजा रहे ना, इस पिंक सिटी का निर्माण मान सिंह और जय सिंह जी द्वितीय ने किया। एक 111 किलो की सोने की रिंग, प्योर गोल्ड। डॉल्फिन पार्क वाले में। यहाँ पे प्री वेडिंग बहुत चलता है जयपुर का, प्री वेडिंग बहुत।
ऑफिशियल गवर्नमेंट गाइड है 1-2 फोर्ट है वो जयगढ़ है, ये पीले कलर का दिख रहा है ना, चंदन कलर का, ये है आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट राजा का महल। हाँ, जयगढ़ फोर्ट मिलिट्री फोर्ट है, नारगढ़ जो फोर्ट आपको दिखाया था जब निकले थे, हाँ, उसको रानियों का फोर्ट बोलते हैं। ओके, रानी फोर्ट के नाम से। फाइनली द आमेर फोर्ट एंड उसके ऊपर है जयगढ़ फोर्ट। ये वॉकिंग का, लेट्स गो, पैदल जाने का यही रास्ता है। आना कहेंगे फिर चढ़ेंगे वरना चढ़ा ही नहीं जाएगा। अच्छा जी, हमको फील नहीं चाहिए, एम्बियंस एम्बियंस बाद में सही खाना चाहिए पहले। देखने में तो काफी सही लग रहा है, ढाबे जैसा अंदर से काफी अच्छा। बोला था हम दाल बाटी रोज नहीं खाते, दाल बाटी फिर से आ गई। रुको मैं पोल दिखाना भूल गया, पोल देखो, एंट्रेंस गेट, ये जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं इनको राजस्थानी में पोल कहते हैं अगर आप जानना चाहो तो। एंड यहाँ पे देखो सब बढ़िया, घर वाले दिखे ही कोनी कटे गए। तो गाइस यहाँ चलते हैं पहले, लेट्स गो। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बाद में बताता हूँ सब। लॉट ऑफ मशक्कत फॉर टिकट्स एंड स्टूडेंट आईडीज एंड ऑल, वी आर फाइनली इनसाइड, लेट्स गो। ये सारी जगह है जस्ट लाइक लोनावाला बारिश के टाइम पे, एंड सर्दियों में ही अच्छी लगती है, बट हमारे पास यही एक दिन था बिकॉज बागडोगरा जाने से पहले हमारा लेओवर यहीं का ही था, सो ये एक दिन हमारे पास जयपुर घूमने के लिए था। लेट्स गो गाइस, व्यू देखते हैं। वाह, बस नीचे झील ही झील, पहाड़। ये तो गई है पानी की बॉटल लेना, पीछे आर्किटेक्चर देखो गाइस कितना बढ़िया है, यू नो, सुंदर एकदम। माय बाल आर लुकिंग टू गुड यार, हैप्पी। ओवरऑल ब्यूटी देखो इस प्लेस की, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, दीवाने खास। एंड यहाँ पे शीश महल भी है कांच का, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। वाओ मस्त है एकदम, कितना सुंदर है। अंदर से देखो, लुक एट दैट गाइस। लिखा हुआ था मानसिंह पैलेस। सो गाइस ये आमेर जो है ये सबसे पहली जगह थी जिसको अकबर ने जीता था। वेरी ब्यूटीफुल शीशा, हम सबको पता है यहीं के थे आप जोधा भाई, आपने नाम सुना होगा जोधा अकबर, अलग अलग नाम प्रचलित हैं इतिहास में, हरका भाई या हीर कुंवरी भी कहते हैं, तो जोधा भाई जो आप जानते हो यहीं की थी। पर नीचे भाई तब सैकड़ों साल पुराना टॉयलेट था, दिखाया नहीं। नज़ारा देखो शीशों के अंदर से देखो यार, देखो क्या मस्त है गाइस। लेट्स गो आगे, इधर देखो गाइस क्या नज़ारा है, वाव। अभी आगे चलते हैं, I don't know ये रास्ता कहाँ जाता है, लेट्स गो। क्या हवा चल रही है ना, मस्त हवा चल रही है एकदम, वेदर एक नंबर हो गया, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, ये तो सफ़ेद सफ़ेद एरिया है, I don't know इन जगहों को क्या कहते हैं, बट अगेन अमेजिंग व्यू। ओहो हो,
से भी रास्ता है नीचे जाने का एंड यहाँ से भी और कुछ हुई है। लेट्स गो। राजा है इस जगह की बंदर, जहाँ इंसानों को परमिट नहीं है ये चले जाते हैं। संगीत की आवाजें आ रही हैं, दरवाजे ही दरवाजे हैं यार। अब एक हर एक किवाड़ में जाने लग गया तो कहाँ से, टाइम ही टाइम लग जाएगा। फिर कुछ यहाँ पे दिखा मैं यहाँ पे, वो रस्ते ही रस्ते हैं भाई हट्टे तो। गाइस मैं तो पता नहीं बिछड़ गया मम्मी और दीदी से। यार मेरी हाइट इतनी ज्यादा, यार भाई मैं टकराऊंगा, मेरी हाइट बहुत ज्यादा है गाइस। दीदी मैं तो अलग रास्ते से आया। तो गाइस नटराज की मूर्ति है मीना बाजार, वो अभी देखेंगे। मेरे किले के बीच में सीसीडी है एंड ये सीसीडी भी ट्रेडिशनल स्टाइल है, एकदम ट्रेडिशनल सीसीडी। जाते हैं मीना बाजार। तो मीना बाजार एज फार एज आई रिमेम्बर वो है जहाँ पे औरतें अपने जो किंग थे उनको इम्प्रेस करने के लिए लगाती थी, मीना बाजार। तो गाइस मीना बाजार बहुत कुछ है वैसे तो यहाँ पे। आमेर किला इज डन, नाउ विल गो टू अदर साइट सीइंग। लेट्स गो। खजाना महल, जिपलाइनिंग भी अंदर, वाओ। जिपलाइनिंग तो मैं कर लूंगा। दिस इज द म्यूजियम ऑफ ज्वेल्स ऑफ राजस्थान, लेट्स गो जयपुर। ऑलराइट गाइस तो चलते हैं अंदर। इज दिस खजाना महल, म्यूजियम ऑफ जेम एंड ज्वेलरी। चल तो मुझे बहुत पसंद है राजस्थान का। अंदर गंदगी ना हो इसके लिए ये शू कवर दिए हैं, शू कवर। रियली ब्यूटीफुल एंड अंदर एसी लगे हुए हैं सो इट्स गुड राजस्थान की तपती गर्मी में। अच्छा है गणपति बप्पा मोरिया। शीश महल में भी अलाउड नहीं है लेकिन। देखो सब भगवानों की मूर्तियाँ, ये गणपति बाप्पा की मूर्ति, वाव। ये लाफिंग बुद्धा है, देखो नीचे कालीन टाइप है बट ये कालीन नहीं है। नॉलेज दी भी है, जेम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, जेम स्टोन डिपॉजिट्स इन इंडिया वगैरह, एक्सट्रैक्शन वगैरह। इस खजाना महल एंड द आमेर फोर्ट दोनों बहुत तगड़े गए यार, मस्त एक नंबर। ये क्या है पता नहीं। गाइस लेट्स गो ज़िपलाइन के लिए, फोन का चार्ज खत्म होने वाला है बट एनीवेज आई विल मेक द वीडियो। तो गाइस ज़्यादा ऊंचे नहीं थे एज यू कैन सी, वहाँ से आया मैं एंड यहाँ तक आया। सबसे बड़ा ज़िपलाइन जो मैंने किया था वो किया था साहस एडवेंचर लैंड हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में, वो बेस्ट था आज तक का। टू अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। हम आ गए हैं एक जगह जिसको कहते हैं जल महल। सो गाइज एक एक्सीडेंट के बाद जल महल के अंदर जाना वगैरह सब बंद हो गया तो आप बाहर से ही देख सकते हो दूर से, तो आपको ये भी दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे गेटोर एंड मुझे लगता है कि यार इस ब्लॉग को दो तीन हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा बनता जा रहा है। जल महल वहाँ आगे दिखेगा आपको, दिखाते हैं अभी। ये रहा आपका जल महल, यहीं से ही दिखता होगा, मुझे नहीं लगता और आगे जाने की जगह है। जल महल दिख रहा होगा यहाँ पे मेरी उंगली के उधर। गाइस तो देख लिया जल महल दूर से ही एंड लेट्स गो बैक। अब गेटोर चलते हैं, गेटोर। तो अभी हम लोग आ गए गेटोर, इसको कहते हैं गेटोर की छतरियाँ, अभी आपको दिखाता हूँ। जय। सीढ़ियाँ भी हैं, ट्राई करेंगे वहाँ जाके देख के आए, थोड़ा ऊपर तक पूरा नहीं बट जस्ट थोड़ा व्यू के लिए। गाइस ओ वाओ वी विल टेक अ फोटो लाइक दैट। जो लास्ट वाला तीसरा वो बंद होने वाला है तो पहले वो देख के आते हैं, लेट्स गो। गाइस यहाँ पे मेनली यही है, आप आर्किटेक्चर को एंजॉय करो, फोटोज वगैरह क्लिक्स करो। और एट गाइस यहाँ पे एक मंदिर है, लुक एट दैट पीकॉक। आई ये प्लेस तो चिल करने के लिए है, हवा में बहुत तगड़ी जगह है ये तो। लेट्स गो। वाओ लग
लगभग 6-7 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। एंड अगर आप जयपुर आने का प्लान करा रहे हो तो कम से कम 3 दिन एटलीस्ट रखना सभी साइट्स अगर आपको देखनी है तो। ये सब समाधियाँ हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो महाराज जगत सिंह, ये देखा, एंड यहाँ से ऊपर देखो भाई, वाओ, अब बात है यार, क्या व्यू है। जब आप यहाँ पे पर्सन में होते हो और ऐसा अमेजिंग वेदर हो जाता है ना भाई, मजा आ जाता है यार। भूटान ट्रिप से पहले मुझे इतना अच्छा जयपुर का ट्रिप मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ गाइस। एंड राजस्थान वैसे भी मेरा फेवरेट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है राजस्थान में। निकलने का टाइम हो गया, बट उससे पहले कुछ फोटोज खिंचवा लेते हैं अच्छी अच्छी। लग वो व्हाइट वाली देखो कितनी मस्त लग रही है, ताजमहल जैसी। इसके अंदर जा सकते हैं। Too nice. ऊपर जाके आता हूँ, अलाउड है कि नहीं नहीं पता मुझे। Oh, wow. अब तो बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, एकदम महल जैसा, वाओ। जयपुर का ये दिन तो बहुत तगड़ा है, मैं एकदम ऊपर जाके एंड करूंगा व्लॉग को, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, यू कैन लुक बैक, एक व्यू देखो, जस्ट लुक एट दिस। यार क्या हवा चल रही है गाइस, इतनी अच्छी लोकेशन पे वीडियो एंड करने वाला था, कर नहीं पाया। बट एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। यार थक गया मैं अब डिनर से पहले।